ऑलराइट नजर में वापस आ चुके हो आप सभी लोगों के लिए एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के लेकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, किसके बारे में बात करने वाले, आपको नहीं पता? अरे सुन लो भाई, मैं बता रहा हूँ। अबे साले, तभी बता रहा हूँ यार, तुरंत बोल रहा हूँ। टिकटॉक के बारे में और पॉपुलर क्रिएटर्स के बारे में, जी हाँ, इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि ये लोग जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर रहे हैं, वो कैसे, तो इसके बारे में भी तुम्हारा भाई बताएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एक ऐसा क्रूशियल टाइम है कि अगर आप टिकटॉक के बारे में कुछ भी तारीफ करोगे, अगर मैं तारीफ करूंगा तो आप लोग मेरी मार के रख लोगे, मेरे को पता है, कमेंट करोगे, डिसलाइक करोगे, करोगे ना, मत करना यार, लाइक कर देना। तो मेरे को पता है कि अगर मैं टिकटॉक का पक्ष लूंगा तो लोग यहाँ पर मेरे को जो है वो ट्रॉल करेंगे, प्लस गलत कमेंट करेंगे, साथ साथ यहाँ पर मेरे को गालियाँ भी पड़ेगी। लेकिन आज के इस वीडियो में पता है किसके बारे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पर उन जैसे पॉपुलर क्रिएटर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि टिकटॉक के थ्रू जो वो फेमस हुए, अपना नाम बनाया और काफ़ी ज़्यादा पैसा, नेम, फेम सब कुछ कमाया, और अभी जो टिकटॉक का ऐसा ऐसी की तैसी हुई भी है, और वो जो है वो हाथ पे हाथ धरे जो वो बैठे हुए हैं, टिकटॉक के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो उन जैसे भाइयों के लिए ये वीडियो, उन जैसे पॉपुलर क्रिएटर्स के लिए वीडियो है, उन जैसे सो कॉल्ड पॉपुलर क्रिएटर्स के लिए ये वीडियो है जो कि जिस थाली में खाए हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। मेरे को पता है आपको मेरी बातों का बुरा लगेगा, लेकिन ये एक फैक्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि कैरी मिनाटी भैया की वीडियो डिलीट हुई, तो यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स एक साथ हो गए उसके, और उसको बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट मिला। तो मेरा ये यहाँ पर ये कहना है कि टिकटॉक को जो अभी इतना ज़्यादा हेट आ रहा है, तो जो लोग टिकटॉक के थ्रू जो वो नेम, फेम और बहुत ज़्यादा पैसा कमा के बैठे हुए और पॉपुलर क्रिएटर का टैगलाइन लेके बैठे हुए हैं, वो लोग अभी अपना मुंह को बंद करके क्यों बैठे हुए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को पता है क्या, जरा कमेंट करिएगा। तो मेरे दिल में जो वो ये सारी बातें चल रही थी, तो मैं ना अपने दिल में कोई बात नहीं रखता हूँ, आप लोग मेरी फैमिली है, तो मैं ना आपके आपसे आके फुसूक देता हूँ, आपसे आके बोल देता हूँ, तो मेरे को ना अंदर से बहुत अच्छा फील होता है यार, बहुत एकदम मज़ा आ जाता है सच में। तो ना ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जिसके थ्रू आप अभी यहाँ तक आए हो, जिसके थ्रू आपका इतना नाम है, आपने इतना पैसा कमाया, आपने इतना रुतबा कमाया, लोग आपको पहचानते हैं टिकटॉक के थ्रू, और आप टिकटॉक के लिए कुछ भी स्टैंड नहीं ले रहे हो। बड़े बड़े पॉपुलर क्रिएटर है, बड़े बड़े, मैं आपको यहाँ पर किसका नाम लूँ, रियाज 40 मिलियन पे बैठा हुआ है, और भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं इंडिया के जो कि अभी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं यार, वो भी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर कोई भी बोला टिकटॉक के खिलाफ, तो भैया सभी जो वो कैरी भैया के फैंस जो वो उसकी आके मार लेंगे, और उसका भी एक गलत इमेज पब्लिक में बनने लगेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी YouTube वर्सेस TikTok का मामला बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मतलब कि भैया एकदम हीट है भैया, 90 डिग्री पे चल रहा है एकदम हीट, जरा सभी हाथ रखे तो भैया झल के कोकरे हो जाओगे, ये वाला सीन है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, बस यही कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मेरा वीडियो या पॉपुलर क्रिएटर देख रहा है, जी हाँ, अगर देख रहा है, तो यार शर्म करो यार, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर रहे हो तुम, थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखा दो यार, हद है भाई, कुछ तो करो यार। तुम टिकटॉक की वजह से यहाँ पर आए हो, इतना ज़्यादा नाम कमाए, फेम कमाए, पैसा कमाए, और दिस इज़ नॉट डन ब्रो, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ एक्चुअली नॉट फेयर, गलत कर रहे हो भाई तुम लोग, प्लीज़ कुछ करो यार। तो मेरा बस यही बोलना था आज के इस वीडियो में कि कुछ पॉपुलर क्रिएटर्स को जो वो थोड़ा सामने आना चाहिए और टिकटॉक को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यार टिकटॉक की वजह से ही वो लोग बने हैं। तो टिकटॉक बेचारा अभी क्या हो गया ना, जी हाँ, भीड़ में जो वो एक तन्हा इंसान बन गया, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इनफैक्ट उसके जो है वो घर के ही लोग उसके जो है वो दुश्मन हो गए हैं। तो मेरे का बस यही बोलना था कि अगर तुम पॉपुलर क्रिएटर्स हो, तो अगर जिसके थ्रू तुम यहाँ तक हो, तो उसको तुम सपोर्ट करो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों का सिर्फ उसके लिए वीडियो है जो टिकटॉक की वजह से अभी जो वो बहुत बड़े मुकाम पे है, जी हाँ, सिर्फ उसके लिए वीडियो है, जी हाँ, कोई हेट नहीं, नो हेट, गाली मत देना, जी हाँ, लाइक करना, तुम्हारा भाई बहुत प्यार करता है तुम लोग से, गाली मत देना भाई, सच में मत देना, बहुत मारूंगा, निकल ला। तो मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा आपके पास बोल दिया जाए कि यार बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे टिकटॉक के लिए, आप ना कमेंट करके बताना, फ्री है एकदम कमेंट, एक रुपया नहीं लेता हूँ भाई कमेंट करने का, कमेंट कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने का एक रुपया भी नहीं लेता हूँ। सब्सक्राइब करोगे ना तो वहाँ पर एक घंटा होता है, उसमें ऐसे करके बजा देना, और वहाँ पर एक ऑल का ऑप्शन होता है, उसको भी सिलेक्ट कर लेना, जिससे पता क्या होगा, जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो तुमको क्या सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और तुम देखोगे, जी हाँ, देखना पड़ेगा। तो बस आज के इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना। सो गाइस, सर मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, एंड बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।